वही है। और जहां तक कुर्मी समुदाय का मांग है, ये आज का नहीं है, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। इस देश के संविधान के आर्टिकल 48 में पशु पक्षियों को संरक्षण की बात है, वन्य जीवों को ये संरक्षण देता है, वन्य जीवों का यह ख्याल करता है, तो कुर्मी इंसान है। अरे सवाल देखिए, सवाल विरोधी का सवाल आया है, दूसरा सवाल होता हम बात करते हैं। आपने कहा विरोधी, कैसे मेरा कौन सा स्टेटमेंट है? हम भी आपको कह दें आप हमारे विरोधी हैं, तो कुछ भी आप टेली की देखिए, कुछ हर सवाल, हर देखिए हर सवाल का उत्तर पहला बात है कि फर्स्ट टाइम, आप भी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम झारखंड में कोई लीडर है जो सवाल को स्किप नहीं करता है। तो जब हम आपके सवालों का उत्तर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी बेतुका सवाल, अगर कहीं सवाल उठ के आया तो उसको टेली कीजिए, नहीं टेली कीजिए आप जनता। अच्छा एक बात बताइए, जनता कौन सा सवाल करेगी? आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, थोड़ा सा भी अपना मेहनत नहीं करेंगे? लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक आपके साथ खड़े दिखे, जब आप ये कहते हैं कि हम चुनाव के बाद एनडीए के साथ या इंडिया के साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज में बीजेपी को लेकर नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात है कि हमने पहले ही कहा है कि जब हम लोग कुछ भी तय करेंगे तो अपने जनता के बीच बैठेंगे, और उसके बीच जो राय शुमारी है उसके बाद हम लोग तय करेंगे। तो जब हम जनता के बीच बैठेंगे तो क्या हुआ, जनता अल्पसंख्यक नहीं होगी? जनता तो अल्पसंख्यक ही होगी ना। नहीं सर, आंदोलन उन्होंने अपना वर्दी बदल करके विधानसभा के अंदर परिसर के अंदर गए, फिर वर्दी चेंज किया, रोना धोना किया, सिर्फ उनको मौखिक आश्वासन मिला है। देखिए संजय जी गए थे, हमारे तमाम साथी जा रहे हैं, उनके साथ समर्थन दे रहे हैं, हम भी सुबह जाने वाले थे, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं है, तो जाएंगे इसके बाद। अच्छा मीडिया के तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सवाल अभी आए उन उपलब्धियों पर मैं आप लोगों को एक नजर गौर करा देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में झारखंड के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में तमाम कंपनियों में जो हमारे लोगों का देहांत हुआ, मजदूरों का देहांत हुआ, वो हताहत हुए, उनके परिजनों को जो लाभ दिलाया गया है उस मुआवजे की राशि आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ रुपए है। एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 20 करोड़ रुपए मुआवजा इन्होंने अपने नेतृत्व कौशल के बल पर और जेबी केसेस की टीम ने झारखंड के अंदर मजदूरों को दिलाया है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि आदिवासी सीटों पर और आदिवासियों के बीच आप लोगों की क्या सहभागिता है, वो कितना स्वीकार कर रहे हैं? 3 दिनों पहले इन्होंने बुंडू में सभा को संबोधित किया, तमाड़ एक आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए, और वहां पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ करके सामने आया, लगभग 50,000 की संख्या में लोग जुटे इनको सुनने के लिए, ये बात ये साबित होती है। तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों की एक सबसे बड़ी मांग सरना धर्म कोड की रही है, और इस समुदाय के साथ हम लोग इस मांग के समक्ष हैं, साथ खड़े हैं, उनकी भावना इससे जुड़ी है, जेबी केसेस भी इस समर्थन करता है उनके मांग का। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन तमाम मसलों पर हम लोगों की जो मुद्दों की लड़ाई है उन्हीं मुद्दों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड का स्थानीयता नियोजन वही रहेगा, और झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र, 5 प्रमंडल, 24 जिले, 4,345 पंचायत, 264 प्रखंड और 48 नगर निकाय और 32,623 गांव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुंचेंगे और झारखंड में एक इतिहास बनाएंगे। एक लास्ट सवाल है कि कुर्मी समाज का भी मांग है कि आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, आपका क्या स्टैंड है? देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि जब हम लोग सदन में आएंगे, देखिए जहां समस्या है समाधान वही है, और जहां तक कुर्मी समुदाय का मांग है ये आज का नहीं है, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, जब से 1950 में बगैर नोटिफिकेशन के उनको शेड्यूल ट्राइब, जो उसमें प्रिमिटिव ट्राइब होता था, अबोरिजिनल उसके नाम से, उसमें शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था, तो उस समय हम लोग सूचीबद्ध थे, बाकायदा हमारा CNT में सारी चीजें आ रहा, ऐसा नहीं आज आप आदिवासियों के बीच ही, हम लोग ऐसा बात नहीं, हम लोग दूर में रहते हैं, उनका भी कहना भाई आप ट्राइब हैं, कौन कह रहा है कि आप ट्राइब नहीं, बस शेड्यूल मत है उसको, उनको इस बात का डर है कि जो 26% की रिजर्वेशन है उसमें उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग का मैंने आप एंट्री होगी तो हमें हमारा हक अधिकार वंचित होगा। तो उस पर हमने स्पष्ट कहा है कि इसी देश में 2016 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वे लोग आएंगे, लेकिन अचानक 2016 में एक बिल आता है EWS के नाम से, पूरा देश उसे स्वीकार भी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य पहला बात है कि इस माइंड से आपको देखना होगा कि हमारी जो मांगे है वो आरक्षण के लिए, वो संरक्षण की है, इसलिए संरक्षण की मांगे हैं कि हमारा जो कौम है उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम सबसे, कुड़ुम यानी कुड़मी, तो हम लोग का संबंध है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज्यादा अगर आप बात करें झारखंड में, अगर जमीन किसी उद्योग धंधे में माइंस में गया है तो नो डाउट हमारे कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ, 1907 में जब
1960 में जब सीएनटी कानून बना, चूंकि 1907 में आपका टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ, भारी मात्रा में जमीनें ली गई, और जब तक 1950 का नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक फिर झारखंड में जमीन का लूट मैंने लूट कसोट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फिर 1950 में उनको नोटिफिकेशन से बाहर किया गया, सिंदरी कारखाना लगता है, बीएसएल लगता है, और ऐसे अनगिनत कारखाने झारखंड में लगते हैं, शायद एचईसीएल उसी पीरियड का होता है, हिंडाल्को उसी पीरियड का होता है। तो ये मामला जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला था, तो इसलिए हम चाहेंगे उनकी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए। और देखिए भारत एक संवैधानिक देश है, इस देश के संविधान के आर्टिकल 48 में पशु पक्षियों को संरक्षण की बात है, वन्य जीवों को ये संरक्षण देता है, वन्य जीवों का यह ख्याल करता है। तो कोई भी इंसान है एक ऐसा रूल लेके आए, ऐसा विकल्प लेकर आए, एक ऐसा कॉलम लेकर आए कि विवाद ना हो, इनका विवाद ना हो और इनका सम्मान भी बच जाए, इनका अधिकार भी बच जाए, संरक्षण मिल जाता। हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग जब जाएंगे तो एक जिस प्रकार से एक नया अचानक ईडब्ल्यूएस का कानून आया, हम लोग एक न्यू कोई कॉलम लेकर आएंगे और ये विवाद का समाधान करेंगे। तो मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहा हूं कि झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत हम लोगों ने उसके जो एक नीचे जो हमारा कैंपेन है उसमें ये है कि अपने तमाम साथियों संगठन के साथियों के लिए मेरा संदेश है कि जयराम की सुनो पुकार, हर बूथ पर जोड़ो 100 परिवार, झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत इसी नारे के साथ हम लोग मैदान में जाने वाले हैं और ये हमारा नारा पूरे झारखंड के गांव गांव तक पहुंचेगा। और जयराम की पुकार सुनने के बाद झारखंड के एक एक पोलिंग स्टेशन पर 100 परिवारों को जोड़ने का अभियान आज से शुरू किया जाता है। हमारे बीच कुछ और साथी ज्वाइन करेंगे, प्रदीप महतो जी, गोल्डी जी और